कथम कारण मंगलो विघ्न विनाशक सुखकरम नमो सिद्ध शिवो। आचार्य कल पंडित प्रवर टोल मंजी सौदर रचित मोक्षा प्रकाशक मालकम ग्रंथ नौ अधिकार की पुरुषार्थ से की मुक्त प्राप्ति उस पर अपन को चलना है। उसके पहले अभी पूज्य गुरुदेव श्री का मांगलिक प्रवचन सुना, समय सार 14 नंबर गाथा पर दो बात जो पूरा प्रवचन अच्छा माने हाईलाइट करने जैसा है, लेकिन अपने पास वो विषय नहीं है अभी। एक तो ये बोला केवल ज्ञान आत्मा और लोकालोक, मैं अपनी भाषा समझता हूँ, लोकालोक केवल ज्ञान और आत्मा। तो केवल ज्ञान में लोकालोक ज्ञान होता है कि नहीं होता है? भगवान सबको जानते कि नहीं जानते? जानते हैं। और केवल ज्ञान किसका? भगवान का। भगवान केवल ज्ञान और लोकालोक, तो ये लोकालोक का ज्ञान होता है, लेकिन केवल लोकालोक ज्ञान में आता नहीं है। सिंपल है ना, लोकालोक का ज्ञान होता है लेकिन वो लोकालोक केवल ज्ञान में आता नहीं है। एक स्टेप, दूसरा स्टेप, अभी वो केवल ज्ञान आत्मा का होने पर भी वो केवल ज्ञान की पर्याय भी आत्मा में नहीं है। लोकालोक लोकालोक केवल ज्ञान में नहीं और केवल ज्ञान आत्मा में नहीं। सिंपल है ना, एकदम सरल है। दूसरी बात अंतिम में एक बहुत अच्छी बोली। क्या बोली? पैसे के लिए तू देश छोड़कर वहां रखड़ता है। पैसा माटे देश छोड़ी, परिवार छोड़ी, पत्नी छोड़ी, अंत्यां रखड़े, माने पैसे के लिए तो तू पत्नी छोड़कर विदेश जा सकता है, देश छोड़ सकता है, तो एक तभी आत्मा के लिए पर्याय क्यों नहीं छोड़ सकता? हाँ, द्रव्य की दृष्टि कर ले, छोड़ना माने उसका लक्ष्य तू छोड़ दे। यहाँ छोड़ना वोड़ना कुछ नहीं है, ना ग्रहण करना है। ज्ञान ने जिसको लक्ष्य में लिया माने ग्रहण किया, ज्ञान ने जिस पर लक्ष्य छोड़ दिया माने त्याग किया। बाकी त्याग और ग्रहण जीना गम में है ही नहीं। माने इतना माने एकदम सरल प्रवचन था। आज का प्रवचन इतना गहन भी था, सूक्ष्म भी था और इतना सरल भी था। माने मेरे को तो अच्छा लगा, आपको जो लगा थैंक यू जिग्नेश भाई, मेरा भी इसमें स्वाध्याय हो गया। चलो अपन आते हैं सीधा नौ अधिकार में। कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना कल? आत्मा का ही एक मोक्ष ही है, माने मेरा हित, मेरा भला, मेरा फ्यूचर एक मोक्ष प्राप्ति करना, और ये है, बाकी कुछ मेरा कोई भला नहीं है। बाहर में क्या कितना पैसा मिले है, कितना माने पुण्य का उदय है, लाड़ी वाड़ी गाड़ी है, मान प्रतिष्ठा क्या है, वो आपका भलाई का काम नहीं है। ऊपर से परिभ्रमण में निमित होगा, माने मोक्ष में निमित नहीं होगा। ये जितने भी तेरे को वैभव मानता है, तेरी सुख साहिबी मानता है, उससे अपने को बड़ा मानता है, वो सब फंसाने में फंसाते नहीं है, फंसाने में निमित होंगे। तू फंसेगा तो आज भी गुरुदेव ने अब अंतिम आज का एक वाक्य था अंतिम, देखो कौन सा था आपको बताऊं, कि वो तेरे को पकड़ते नहीं है, पर द्रव्य तुझे राग कराता नहीं है, तू वहां से सामने आधीन होकर राग करता है, और तूने राग किया तो जिसके प्रति तेरा उपयोग गया तो उसको निमित कहने में आता है, मात्र निमित है, वो कुछ करता नहीं है। अभी अपन आत्मा का एक मोक्ष है वो टॉपिक चलाना है, 1.5 पेज का टॉपिक है, और मेरे को आज 1 घंटे में कर पूरा करना है, क्योंकि कल अपन चलेंगे संसार दुख, माने संसार सुख दुखी है, और परसों से अपना विषय 5 दिन चलेगा, कौन सा? पुरुषार्थ के मोक्ष की प्राप्ति। देखो आप सीधे आ जाओ
आपके पास हिंदी है गुजराती है, तो मैं दोनों पेज बोलूँ। गुजराती माँ पेज नंबर काढ़ो और गुजराती काढ़ी बच बच भाव प्रोजन गुजराती दस से पाँच। मैं हिंदी में निकाल के बैठा हूँ सुरेश जी, मेरे में भी हिंदी निकाला, यहाँ भी हिंदी है। और आप जरा आगे बैठना तो आप और एक बोर्ड में हिंदी लिखो, हिंदी ऐसा लिख के आओ। एयरपोर्ट पे नहीं होता है कोई लेने जाता है ऐसे बोलते डंडी करके रजनी भाई ऐसे डंडी ऐसे आपको डंडी करना हिंदी। हाँ एक दफे क्या गुरुदेसी के प्रवचन में वीडियो प्रवचन है नायरोबी के, तो वहाँ सब ने बोला कि साहब हिंदी में प्रवचन कर, ठीक है हिंदी में करेंगे। भाई मैंने आवड़तू न थी टूटी फूटी हिंदी फावे और हिंदी में प्रवचन किया। बीच में लगभग 10 मिनट गुजराती में रंग माने भाव में आ गए, पूरा प्रवचन गुजराती 10 मिनट किया। तो नीचे डॉक्टर साहब बैठे थे, साहब हिंदी माँ के हिंदी माँ तो बोलो छो, माने भाव में इतना डूब चुके थे कि भाषा गुजराती है कि हिंदी है वो भी उनको मालूम नहीं। आप सुन लेना प्रवचन के हिंदी माँ तो बोलो छो, कहना साहब अच्छा अच्छा गुजराती में बोलता हूँ। हाँ चलो तो गुजराती में आपको पेज नंबर निकाला है 310 और हिंदी में आपको निकालना है 305, बराबर 310 और 305 वहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो चार लाइन छोड़कर लोक में जितने आत्मा है उनके एक उपाय पाया जाता है कि दुख न हो और सुख हो। मिला सबको भैया? सुनो भैया मिला? हाँ बोल देना मिला, भले नहीं मिला मैं आगे चलो फटाफट, बराबर नहीं बोलना लेकिन ऐसे मैं तो पूछ लूँगा आगे की भाई लाइन पढ़ो। लोक में जितने आत्मा हैं, जितने आत्मा हैं उनका एक उपाय पाया जाता है, माने कीड़ी से चींटी से लेकर आप देव तक जाओ, जो भी सुबह से उठकर रात्रि में 24 घंटे जो भी क्रिया करते हैं, जो भी उस अनुष्ठान करते हैं, काय के लिए करते हैं, लेकिन दुख न हो सुख हो। तो मैंने दो दो अनुष्ठान होने उसके कौन कौन से, नंबर एक दुख न हो, नंबर दो कितना कार्य, कितने कार्य हुए, एक ही कार्य है। नास्ति से बोलो दुख का अभाव और अस्ति से बोलो सुख की प्राप्ति। अभी उसको मालूम नहीं है कि वास्तविक सुख कौन सा है, वो अलग बात है, लेकिन जो भी ट्राई करता है सुबह से रात लेकर काय के लिए, अन्य मति हो, अरे पशु हो वो भी काय के लिए, नहीं पूरा वाक्य बोलो, दुख न हो और सुख हो, बस एक ही उपाय करता है। आगे बढ़े थोड़ा फास्ट चलेंगे। अन्य भी जितने उपाय करता है वह सब इसी प्रयोजन सहित करते हैं, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। सुबह चाय पीता है काहे के लिए, अरे काहे के लिए, माथू आम पाछो आम दर माथू बारे थे गजब से चाय थी भी असर ही था, चाय यहाँ से लेता है और असर यहाँ होता है, ये मनोविज्ञान है। कई लोग बोलते हैं ना हम सुबह प्रवचन में आप रक्षा में नहीं आते, आना तो बहुत चाहते हैं लेकिन जब तक चाय नहीं तब तक कॉल नहीं आता, समझे आप कॉल, अरे समझ में आता है कॉल, अभी इसका तो हिंदी तो कॉल कॉल ही बोलेंगे हम, नहीं समझे कॉल नहीं आता सुरेश भाई। हाँ हमारे बड़े भाई है सतीश भाई, उसको ही प्रॉब्लम है, कॉल न थी आओ, तो मैंने उसको बोला तो एक काम कर 15 दिन तक चाय नहीं पी, मैं देखता हूँ कॉल कहाँ जाता है, आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, मैंने तो 30 साल से चाय पी ही नहीं। उसको मैंने एक मनोविज्ञान है, आप 10 दफे ऐसे बोलो मैंने माथू दुखे छे, मैंने माथू दुखे छे, मैंने 10-10 टाइम्स बोलो आप, मेरा सर भारी है, मेरा सर मुझे सर दर्द है, सर दर्द है, सर दर्द है, 10 बजे बोलोगे ना आपको लगेगा वास्तव में दर्द है। एक साइकोलॉजी है, जो भी उपाय करता है
लिखा ना, अन्य जितने भी उपाय करता है, खाना पीना सोना घूमना। यहां से कोरोना काल में 3-2 साल तो घर पे पड़े रहे, हर्ष अब तो चले कहीं माने यात्रा कहाँ जाएगा, हम घूमने को पिकनिक पॉइंट चलते हैं, वहाँ मन तैयारी 4-5 दिन जाता है और फिर उसको घर याद आता है और वहाँ से चलो अभी जल्दी घर, और घर जाके बैग रखता है ना, मुंह में से पहला शब्द निकलता है, आ तो हमारे गुजरात में निकले, यहाँ भी हाँ, अब तेरे को घर में ही हास था तो वहां गया काहे को। लेकिन जो भी अनुष्ठान करेगा काय के लिए, अरे काय के लिए, दुख न हो और सुख हो। देखो आगे बढ़ते हैं, अभी गजब की बात है, देखना, जिनके निमित्त से दुख होता जाने उनको दूर करने का उपाय करता है, और जिनके निमित्त सुख होता जाने उनके होने का दोनों में उपाय करता है, माने दुख के निमित्तों को दूर करने का और सुख के निमित्त को मिलाने का ये उपाय करता है। क्यों करता है उपाय, क्यों करता है राकेश भाई, इसका एक ही प्रयोजन है, क्या, दुख न हो सुख हो। मोक्षवा प्रकाश माने वहां लिखा प्रयोजन तत्व, वहां लिखा इस जीव का एक ही प्रयोजन हो, सुख थाय अने दुख दूर थाय, आ जीव नु प्रयोजन। जो भी उपाय करता है, ट्रेन है विंडो सीट चाहिए, उपाय करता है काय के लिए, सुख हो। और नीचे लिखता है लोअर अपर मिडल, उसमें लिखता है लोअर काय के लिए, आप 50 आइटम ऐसे सोचो, इन छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, और पिताजी से मोबाइल चुर फिर रजा माने ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाते हैं, अंदर चालू होता है काय के लिए, काय के लिए। एक कुत्ता हड्डी भी चबाता है ना, उसको माने हड्डी में खून नहीं है फिर भी चबाता है काय के लिए। अब इसको मालूम, इससे मेरे को प्रॉब्लम है, उसको दूर करो। आप बस में बैठे और एक सब एकदम आदिवासी आदमी आ जा गए बाज में, और वो भी बैठा और एकदम मैले कपड़े और बूट पहन के आया था, शूज पहन के आया था, और जो सॉक्स थे 4 दिन पुराने पहने थे, मैंने 4 दिन से पहने थे, उसमें क्या आता है फिर बासात, फिर वहाँ से वो उसको हटाना चाहता है या खुद हटेगा काय के लिए, अरे काय के लिए, माने बाह्य पदार्थ अभी आगे आएगा, बाह्य पदार्थ सुख दुख दाता नहीं है, तूने उसमें सुख दुख की कल्पना की है। बाह्य पदार्थ ना सुख का कारण है ना दुख का कारण है, वो तो आगे मोक्षोपाय लिख चुके पंडित जी कि यदि बाह्य पदार्थ सुख का कारण होता ना, वो पदार्थ सभी को सुख का कारण होता, और दुख का कारण होता तो सभी को दुख का कारण होता। और अभी दुख का कारण, बाद में सुख का कारण, ऐसा भी नहीं होता, हमेशा दुख का ही कारण होता। जो पसंद नहीं हटा, अभी तो फैमिली शॉर्ट चाहिए, उत्तम होती सिंगल फैमिली, माने सगा भाई नहीं चले, देवर नहीं चले, हटा दुख, माने वो देवर दुख का कारण नहीं है, वो दुख लगता है उसको, हटाओ उसको, अरे साम दाम दंड बेड अलग होना चाहिए। ये सब आ गया इसमें, जो उसको दुख के निमित्त है नहीं लगते हैं, उसको दूर करने का उपाय करता है। फॉरेन में जब लड़के लड़के का एंगेजमेंट होता है तो मीटिंग होती है, तो लड़की पूछती है कि आपके घर में गार्बेज है, गार्बेज मालूम है आपको, गार्बेज माने डस्टबिन, कचरे का डब्बा, तो बोलते क्या हुआ जी, सुखनु कारण पंखुसु का चालू कर, हाँ गर्मी दुख लागी पंखो चालू करो,
जो भी उपाय करता है सुख के लिए करता है। काठियावाड़ी लोग है कोई इधर? सौराष्ट्र वाले कोई लोग है? कोई बात नहीं, जमिया पची छास चुगिए उपाय करता है काय के लिए। अरे कोरोना काल में जिनको आदत थी ना माणिकचंद गुटका आदि की, 200-200 रुपया खर्च के भी माणिकचंद 3 रुपये का 200 रुपया दिया काय के लिए? काय के लिए? सुखी होने के लिए। सोचो आप किया कि नहीं किया? हाँ, तो वो लड़का लड़की पूछती है कि आपके घर में गार्बेज है, माने कचरे का डिब्बा, ऐसा नहीं पूछ रहा है तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स साथ में माँ बाप? मतलब हाँ मेरे को नहीं करना है, गार्बेज नहीं चाहिए। अभी माने जो लड़की अपने होने वाले सास ससुर को गार्बेज माने, वो लड़की लाए कैसे? माने वो लड़की को जो माता समान सास है और पिता समान ससुर है उसको गार्बेज लगता है, दूर करने का उपाय करता है। अभी हो गई शादी, लड़के ने बोला गार्बेज तो नहीं है, उसने डन हो गई, शादी कर ली, बाद में मालूम पड़े यहां तो दो गार्बेज है, माने सास भी है और बड़ी सास भी है। अभी क्या करेगी वो? दुखी होती है, फिर क्या करती है? यह शब्द जी देखो कहां पड़ा, जिनके निमित्त से दुख होता जाने, समझना दुख होता है ऐसा नहीं लिखा, दुख होता है ऐसा नहीं लिखा मनोज भाई, सुन लगे मुझे, दुख थतु जाने थतु नहीं, एने भ्रम थी गयो आ मैंने दुख का कारण, हटाओ इसको, इसका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, थोड़ा चरणाने भी साथ में ले लो ना इसमें। हाँ अभी जरूरत है, आपको मालूम नहीं है जॉइंट फैमिली की, माने लौकिक दृष्टि से बोलता हूं जॉइंट फैमिली की माने कितनी मजा है। पूछो मनोज भाई से बच्चे कब बड़े हो जाते मालूम नहीं पड़ता। हमारा हमारी भैया सोनू भैया चौथी पीढ़ी साथ में चल रही है, कितनी चौथी पीढ़ी आज साथ में चल रही है हमारी। माने मेरे बेटे के बेटे ने कहा भोजन के लिए मालूम नहीं पड़ता, फोन आ जाते भोजन मत करना हमने करा दिया है। और आज माने पति पत्नी हम दो हमारा एक या दो, बाकी तीसरा चाहिए ही नहीं, और हमारे दो में माता पिता नहीं, सास ससुर नहीं, अपने बच्चे चाहिए। और वो बच्चे भी देखेंगे ना, अरे वो बच्चे भी देखेंगे ना, क्या देखेंगे कि मेरी मम्मी या मेरे पापा को यदि अपने माँ बाप पसंद नहीं है तो मैं भी क्यों पसंद करूंगा इनसे। तुमने गार्बेज नक्की किया तो वो भी आपको क्या बोलेगी बड़े होकर? अरे बोलो, क्योंकि सबसे ज्यादा अनुकरण बच्चे करते हैं माँ बाप की, जितनी भी स्टाइल होती है। आपके घर में रात्रि भोजन होगा तो बच्चे रात्रि भोजन करेंगे, यदि आपके घर में रात्रि भोजन नहीं होगा तो बच्चे भी नहीं करेंगे। वो आप बच्चों को संस्कार कैसे डालना, उनको क्या खिलाना क्या पिलाना आप खुद करो, ऐसा वो ऑटोमेटिक करेंगे आप। बड़े दादा का नाम सुना रतनचंद जी वारिल, उनके पुस्तक में एक बहुत अच्छा दृष्टांत है, मैं हर जगह पर्व में यहाँ भी दिया होगा मालूम नहीं, मैं हर जगह देता हूँ इसके कलेक्शन में, कि एक पति पत्नी में परिवार था और उनके साथ उनके माने माँ बाप थी साथ थे, पिताजी शांत हो गए, मम्मी अकेले थी, अभी एज थी बीमारी भी थी, तो उसको भोजन के लिए मिट्टी के कटोरे लाते थे, अपनी भाषा में शक्कर उगेवाए रोज लावे और भोजन देती थी उसमें, और बच्चे को बेटा जाओ फेंक के आओ, रोज अपनी भाषा में जब पतरड़ा हुआ है टाइप ना माटी ना वासन। अभी क्या हुआ, 6-8 महीना चला ऐसा, माता जी तो शांत हो गई,
अभी दिवाली के समय पूरा अपने माड़ियों क्या बोलते हैं आप उसको, क्या बोलते हैं, मालिया बोलते हैं ना, हाँ, वो बच्चा सब उसमें स्टोर करता था। जब दिवाली पे सब साफ सफाई की तो वहाँ से 150 वो मिट्टी के बर्तन मिले। तो मम्मी ने बेटे को डांटा कि तेरे बेटा ये तो बाहर फेंकने थे, तूने यहाँ क्या रखे। इतना बढ़िया जवाब दिया कि मम्मी आज तो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं लेकिन तू बड़ी होगी तो मैं कहाँ से लाऊंगा, इसके लिए रखे। जब हम पढ़ते स्कूल में एक बहुत अच्छी बात कविता आती थी, भूलो बदू बीजू भले पण माँ बाप ने भूलशो नहीं, छे अगणित उपकार एम ना ए कदी भूलशो नहीं। अरे आपके घर में आपके सास ससुर साथ में होंगे ना तो वो आपके बेटे को नमोकार मंत्र सिखाएंगे, अपनी गोदी में बिठा कर बोलो बेटा नमो रंगताम, खिलाते जाएंगे कहानी सुनाते जाएंगे। और तो पहले तो दुख के निमित्त है नहीं, तूने मान लिया दादा, दुख के निमित्त है नहीं तूने मान लिया, एक कुटुंब परिवार दुख का निमित्त है नहीं तूने मान लिया, और जो दुख का निमित्त लगा ना उसको दूर करो। और बार में आगे पढ़ो, और जिनके निमित्त सुख होता जाने उनके होने का उपाय करता है। ये सब मिलाता है, एक मन इसी लगा दिया सुख का निमित्त माना, ये लगा दिया सुख का निमित्त माना, स्वैगी में फोन कर दिया क्यों किया, अरे बोलो क्यों किया, सुख का निमित्त माना, सुख का निमित्त माना। नया मोबाइल लाया, कई पागल तो महापुरुष यहां भी कोई विराजमान होंगे, हर महीने में मोबाइल बदलते हैं, नया चाहिए मोबाइल, दो दो दिन मैंने बदलते हैं, बदल बेटा जितल तू बदल तो नहीं, अब नाना को नाक ना बगाड़ दे। मैं मेरे घर की बात करूं, जब मेरा बेटा लगभग माने बीकॉम हो गया था और सीए की एग्जाम दे रहा था तो मोबाइल लाना था, तो मैंने उसको 5,000 रुपये दिया कि नहीं मेरे को 15,000 का मोबाइल लाना है, 7,000 का ला, 7,000 दे के ना लाऊ तो 15 का लाऊ नहीं तो नहीं लाऊ। बेटा भी मेरा ही था उस टाइम, हमारे पिताजी थे तो पूरा केस गया पिताजी दादाजी के पास कि दादा पप्पा ने कौन है मैंने मोबाइल ले यहाँ पे, इधर आ जाते दे पैसे को, मना क्यों कर रहा है बेटे को दे पैसे। मेरे को मालूम था मैं बापू जी कितना आप क्या 1500 रुपया पहले क्या दादा हमारे मोबाइल नहीं लाओ। फिर मैंने बोला कि पापा मैंने उसको 6,000 से 7,000 दिया, फिर मना कर रहा है 15,000 कि बेटा बैठ साइड में बैठा है क्या देख 2,000 का मोबाइल हो और सामने से मम्मी बात कर रही है तो मम्मी का आवाज़ पापा का आवाज़ आएगा कि मम्मी का, और 15,000 में किसका आवाज़ आएगा मम्मी का, तो फिर 15,000 ले क्यों, तेरा काम हो रहा है तो ले क्यों, कि नहीं उससे सुख जानता है 20,000 मोबाइल स्टेटस और वो माने जूठा एप्पल कटा हुआ एटू एप्पल सफरजन हाँ और उसमें स्टेटस माने, ये आप लेडीज को किटी पार्टी होती है ना अलग अलग तो उसके पास MI का मोबाइल हो ना उसको शर्म आती है, मैं रियल बोलता हूं ये बात, उसको शर्म आती है क्यों कि MI के मोबाइल को दुख का कारण जाना और एप्पल के मोबाइल को सुख का कारण जाना, लेकिन एप्पल का मोबाइल ना दुख का कारण है ना सुख का कारण है, और ऐसे ही MI का मोबाइल ना दुख का कारण है ना सुख का कारण, मिलाता रहता है। ना अमे ट्रेन में धक्का खाता आपने तो टैक्सी में जवा, कारण कि टैक्सी ने सुख नु कारण माने, हर चीज में 50 आइटम लगा हुआ। कई आदमी ऐसे महापुरुष यहां भी हो सकते हैं, माने चाय उबली ना
उसमें बाप जो निकल उस वही चाय चाहिए, बाकी नहीं। मजा आना ए विच चाय चाहिए ठंडी मान जाना। क्यों वो चाय को सुख का कारण माना और ठंडी चाय को दुख का कारण माना। अरे प्रवचन में भी बैठे रोज जो जगह बैठता है पंखा, आज ऐसे माहौल हो गया है पंचम काल में वक्ता को देखकर प्रवचन में नहीं बैठते, पंखे को देख के बैठते हैं। क्यों क्यों कि पंखे को सुख का कारण माना। गजब की लाइन है, चांदीनी थाड़ी माओ जमवा मजा आएगा। અને અમારું નસીબ છે ચાંદીની થાળી જમવા મળે છે, અમારે 103 કિલો એટલે જ થયું છે, ચાંદીમાં જમી જમીને 103 થઈ ગયું છે, આને પણ એવું થઈ ગયું જતીનને પણ અમારા કોમ્પિટિશનમાં છે। મને એને જોવું જ મને એમ કહે મારું વધારે નથી એમ સંત તારે આગળ જ બેસવું એટલે મને જ રહે એમ કહે હું બોડી નથી ભારી વધારે। હા दो वाक्य याद रह गए, दुख का निमित्त जाने उसे है नहीं, पहले पहले बोलता हूं कोई पदार्थ दुख का निमित्त नहीं है, कोई पदार्थ सुख का निमित्त, इसने मति कल्पना कर दी ये दुख का निमित्त है ये सुख का निमित्त है। घर में निकली सांस से बोला बेटा कहाँ जा रही हो, आए तुम्हें टोकिया वगैरह रहता ना तुम्हारे तकलीफ से, ओल्ड मैन ओल्ड डैडी दरेक बात में टक 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 करवानी। मैंने पूछा दुख का कारण मान लिया, ये मैं छोटी छोटी बातें हर घर की बताता हूं मैं, और ऐसा मत समझ मेरे घर में हो रहा है ऐसा मत समझना। हाँ अतरे दरेक ने लाइफ में कोई इंटरफेयर कर ना चाले, अरे ये मम्मी जी तेने पूछूं आपको पूछ लिया बेटा कहाँ जा रही, उसमें तेरा क्या बिगड़ गया, क्या दुख हो गया, क्या दुख का निमित्त बन गया, लेकिन दुख का निमित्त मान लिया नहीं सांस नहीं जोइए। अब जब अनाथ आश्रम चाले केम चाले है आवी मेंटालिटी चाले है, અને આ મેડલ ખતમ થઈ જાય ને સાહેબ અનાથ આશ્રમ બંધ થઈ જાય, જેમ આમ છોટેથી પડતે ને પીપલ પાન ખરંતી હસ્તી પીપલ યા મુજ બીતી તુજ બીત સે ગીરી બાપોળિયા, માને પીપલ કે બડે પાન જબ ખીને લગે ના ઉસકે છોટે પાન હસને લગે, દેખો ગયા દેખો ગયા ઓ નીચે ગયા ના, વો બોલતા હે કોઈ બાત નહીં આજ મેરા નંબર હે કલ તેરા નંબર। एक बीच में व्हाट्सअप की क्लिप आई थी, एक भैया थे माने पति पत्नी दो थे एक बेटा था, तो उसमें जो दिखाया था वो भैया गांव गए अपने गांव गए बस इतना बताया, तो पत्नी ने पूछा कहाँ गए हो, कि मम्मी को लेने, कि तुमको बोला था ना मम्मी मेरे घर में नहीं चाहिए, बहुत चक 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 करती है वो नहीं चाहिए, मेरी सहेली आती है तो भी प्रॉब्लम होता है, पूरे दिन खांसती रहती है, फलाना ढिकना लेके मत आना नहीं तो मेरा मरा मुंह देखोगे। अभी क्या करे बेचारा, फिर भी वो लेके आया और डोरबेल बजाया खोला आ गए मम्मी को लेके, मना किया था ना, पीछे से मम्मी आई लेकिन उसकी मम्मी नहीं वो लड़की की मम्मी आई, वो दिखाया था कि वहां मम्मी बीमार थी तो मैं लेने गया था, तब उसकी आंख ठिकाने आई। और एक बात सोच लेना मैं तो हर जगह बोलता हूं, यदि आपको आपकी सास या ससुर दुख रूप लगते हैं तो आप जो घर में छोड़ के आए हो वहां भी आपकी भाभी विराजमान है, वो भाभी भी आपकी मम्मी को और आपके पापा को भी क्या मानेगी, दुक्का का मानेगी, आप उसको माने अलग करते हो और आपकी मम्मी को आपकी भाभी ने अलग कर दिया, आपके क्या हो आपका पे क्या बीतेगा जो चुका।
गजब है ना। आप सीरियस मत हो जाओ, सीरियस हो तो अच्छी बात है। चलो आगे पढ़े। जिनके निमित्त से दुख होता जाने, उनको दूर करने का उपाय करे। यहाँ काला दाग लग गया, दूर करने का उपाय करे। बाल सफेद हो गए, दूर करने का नहीं, काला करने का उपाय करे। हाँ लगाओ। मैं कई बाल बोलता हूँ, जैसे प्राची तारागिर बाबू कितना वर्ष थे, 16 वर्ष नो, और 5 वर्ष पे 21-22 वर्ष जब मैरिज थे थबानों से बराबर, और जो जम धमाल बुद्धि तैयारी सब तैयारी हो गई, और माने शाम को माने संगीत संध्या जो भी प्रोग्राम हो, और आप स्पीड में गए और गिर गए, आगे के 2 दांत निकल गए। और कब, शाम को 8 बजे फंक्शन था और 5 बजे हो गया। डॉक्टर बोला भी अभी तो नया दांत बनेगा नहीं, अभी हो गया तो हो गया। अभी प्राची और जीतल दोनों खड़े हैं, फोटोग्राफर बोलता है स्माइल। अभी स्माइल करेगी नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, दांत निकल गए उसको, उसको दुख का कारण माना। अरे है कि नहीं ऐसा। चलो आगे चले। तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा की होती है, अनेक प्रद्रव्य का संयोग मिलता है, परंतु उस जिनसे सुख दुखता न जाने, उनको दूर करने का व होने का उपाय भी नहीं करता। हाँ माने ऐसी स्थिति है जिसमें आपका चलता नहीं, उपाय भी नहीं करता, प्रॉब्लम भी नहीं है। जैसे मेरे को यहाँ रसोड़ी, ये रसोड़ी है, डॉक्टर को दिखाया, आपको दर्द है कि नहीं, क्या पड़े रहने दो, कोई उपाय भी नहीं करता। यदि दर्द होता तो उपाय भी करता। चलो आगे। सो यहाँ आत्मद्रव्य का ऐसा ही स्वभाव जानना, क्या कि दुख दूर करना और सुखी होने का उपाय करना, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। और तो सर्व अवस्था को सह सकता है, सब सहन करता है, ज्ञान कम हो मोटा हो जो भी हो सहन करता है, दुख को सहन नहीं करता। अभी देखना, अभी दो, एक पर अवस्था से दुख हो तो क्या करे। हाँ पेट में दर्द हो गया क्या करेगा, बाहर में निकालो, मम्मी को निकालो, निकालो इसको बाहर निकालो, अभी पेट निकालेगा तू। जो पर जहां तेरी चलती नहीं है और दर्द है क्या करेगा, तो सहन करेगा। अभी गया यहां दर्द दांत में शुरू हो गया क्या करेगा, शू करे, रात्रि 1 वागे दुखाओ पड़े, डॉक्टर बंद के सवारी 9 वागे मुड़ से, तो सुबह 9 बजे तक क्या करेगा, अपना कुछ चलता नहीं है, जहां परवशपना है क्या करोगे, सहन करोगे। हाँ कहां गया, हाँ भोगता है, परंतु स्ववस्था से किंचित भी दुख को सहन नहीं कर, जहां अपनी चलती है ना वहां दुख को सहन नहीं करता। मारे जो सवारे गरम रोटली जोइए ले जोइए, हमारे यहाँ इंदौर में एक कालाजी परिवार है, अच्छा हमारा पारिवारिक संबंध है, तो उनका पुराना घर था, अभी नया मंदिर के साधना के मंदिर के बाहर ही बना, बगल में बनाया, तो जब भी मैं और बोला भैरव को कि रजनी भाई मैंने ऐसी व्यवस्था टेबल डाइनिंग टेबल बने, मेरे को सामने रसोई घर दिखता है, जो रोटी पूरी दड़ा माने एकदम फुलती है वही लेने का। अब मैं देख लेता हूँ फुली नहीं है तो बोलता हूँ नहीं लेने में, नया घर भी ऐसा बनाया, वहीं से उसको माने रसोई घर दिखती है पूरा गैस की, भाई रोटी पूरी ऐसे दड़ा हो जाएगी। हाँ लाओ, जहाँ स्वस्था है। मैंने बोला वो भी पुण्य चाहिए, नहीं ध्रुव मैं आज भोजन करना हूँ तो फूली रोटी मेरे को मिलेगी, तेरे को जली मिलेगी। हाँ लेकिन जहाँ स्वस्था चलती है, जहाँ माने वो भ्रम होता है कि मेरा चलेगा मेरा चलेगा, वहाँ सहन नहीं करता। कमर में दर्द है क्या करेगा, अरे बोलो क्या करेगा, सहन करेगा। जहां पर वस्ता है, अब 28वां माले रहते हो, 32वां माले रहते हो भाई, हाँ लिफ्ट बंद थी शू कर सको,
ભલા તો શું કરશો, અને દૂધ લાવવાનું રહી ગયું છે, મને તો અમે ચાની હેબિટ નથી. પછી કે પછી શું કહે, પરવસ્તામાં કરે શું, શું કરે? અને કોરોના કાળમાં બધાએ જોઈ લીધું ને, કિસકી ચલી ઉસ ટાઈમ, એ તમારે ફ્લેટ મેં કોટરી મેં હમારે પતિલાલજી ચલે ગયે 2.5 મહિના દેશ મેં લે આ કહાં ગઈ, એ 100 ફૂટ મને 1000 ફૂટ મેં અંદર ઘૂમતે રહે. પરવસ્તા મેં કરે ક્યાં ભાઈ, શું નામ કલ્પેશ, શું નામ, વાળ જતા રે કરે શું, પ્લાન્ટેશન ના પાડી દીધી પેલા એ કરે શું, દેખો સ્વસ્થા સે કિંચિત ભી દુઃખો સહન નહીં કરતા તથા સંકોચ વિસાદી અવસ્થા જૈસી હો વૈસી હો ઉસે સ્વસ્થા ભી ભોગતા હૈ વહાં સ્વભાવ મેં તર્ક નહીં હૈ. અભી દેખના ગજબ કી બાત, દેખો દુઃખ દુઃખી હો તબ સોના ચાહતા હૈ, અરે આજ તો થાકી ગયા, સુઈ જા, હા સુઈ જા, ઓર સમજના પ્રવચન સાર જી મેં 53 ગાથા 68 ગાથા 16 ગાથા કા સુખ અધિકાર હૈ. કોણ સા અધિકાર? સુખ અધિકાર. ઇતની બઢિયા બઢિયા બાત લી હૈ વહાં કે યદિ દુઃખ તેરે કો અંદર વિષય લેને કા દુઃખ નહીં હોતા, આકુરતા નહીં હોતી, તો વો ગ્રહણ ક્યો કિયા? તુને ચાય પી ગ્રહણ કી, મતલબ ઉસ ટાઈમ તેરી ઈચ્છા આકુરતા થી, યદિ આકુરતા નહીં હોતી તો નહીં લેતા. આપકે ઘર મેં આપકે સમધી આવે ઓર સુબહ નાસ્તે સમય 10 ગોલિયા રખી ઓર 10 ગોલિયા પહેલે લે, ઉસકા મતલબ ક્યા, ઇસકા મતલબ ક્યા હોતા હૈ, ઉનકો કોઈ ના કોઈ રોગ હૈ, યદિ રોગ નહીં હોતા તો ગોલી નહીં લેતે. એસે કી વિષય ગ્રહણ કરતા હૈ ના, અંદર તેરી આકુલતા આગ લગી. સોના ચાહતા હૈ વહાં, અભી દેખના ગજબ મેં જબ સો જાતા હૈ જ્ઞાનાધિક મન હો જાતે હૈ, ઓર કૈસે, પરંતુ જડ શરીર કા હો કર ભી. મનોજભાઈ અંત મેં તો હમણાં 1.5 મહિનો કેટલો એડમિટ રહી આયા, હા 2.5 મહિના શું કરો, પરવસ્તા તે કરો શું, ભોગવે છૂટકો. ઓર ઇસીલીએ બેન્સી મેન લિખા, હસ હસ કર બાંધે હુએ કર્મ રો રો કે ભી નહીં છૂટેગે, ભોગને પડેંગે. દેખો વહાં જડ શરીર કા હોકર ભી દુઃખ કો દૂર કરના ચાહતા હૈ, માને સોતા કાય કે લિયે દુઃખ દૂર કર સુખી હોને કે લિયે, ઓર સોને મેં જડ જૈસો, માને જડ બનના સ્વીકાર હૈ લેકિન દુઃખ સ્વીકાર નહીં. क्या बोला फिर से, जड़ बनना अचेत जैसा हो जाना वो स्वीकार है लेकिन दुख स्वीकार है. आगे तथा मरना चाहता है, मरवा लागे जाए, आघात करवा लागे, नस पर ब्लेड मुकी दे, हम काफी काड़ है, इलू इलू थई होए, हिंदी में समझते ना इलू इलू સુરેશ ભાઈ, હા, ઓર વો જીસે જો જો લડકી સે ઉસકો પ્રેમ હો ગયા થા, વો લડકી ને દૂસરી જગહ શાદી કર લઈ, ઉસકો લગતા હૈ આ ફાની દુનિયામાં કશું નથી, ક્યાં જઈને સીધો જંપલાવે દરિયામાં મરના, ક્યોંકિ અંદર દુઃખ હુઆ, વો દુઃખ સહન નહીં હોતા, મરના તક સ્વીકાર હૈ. પહેલે લિખા જડ હોના સ્વીકાર હૈ, બાદ મેં લિખા મરના સ્વીકાર હૈ, લેકિન દુઃખ સ્વીકાર નહીં. अपनी पढ़ने है कि नहीं, आप घात करते हैं, पंखे पे लटक जाते हैं, काय के लिए वो दुख, अरे भैया जो कर्म तूने बांधे है ना, तो बस पंख लटक गए कम छूट जाएंगे, वो तेरे साथ साथ चलेंगे अगले भाव में भी. मरना चाहता है वहां, मरने से अपना नाश होता है, परंतु अपना अस्तित्व खोकर भी, गजब लिखा है, होकर भी क्या लिखा है, दुख दूर करना चाहता है. पूरे टॉपिक मैंने डेढ़ में एज है,
कि दुख दूर करना, बस यही इसका उपाय करता है। चलो आगे पढ़ते हैं। इसलिए इस दुख पर्याय का अभाव करना ही इसका कर्तव्य है। अभी आगे, तथा दुख न हो वही सुख है, क्योंकि आकुलता लक्षण सहित दुख का दुख उसका अभाव ही निराकुलता लक्षण सुख। समझना, अभी आकुलता शब्द यहाँ से स्टार्ट होता है। ये टॉपिक में 17 बार है और उसके नेक्स्ट टॉपिक में 28 बार, टोटल 45 बार आकुलता शब्द है। कितनी बार? 45 बार। अभी समझ जा, अभी तक बात चल रही थी दुख की, बात चल रही थी, सुनना ध्यान से। अब तक कौन सी बात चल रही थी? दुख की। अब नया टॉपिक है कौन सा? आकुलता, और उसके बाद आएगा कषाय। एक क्रम देखना, तीन बात की मैंने, अब तक किसकी बात हुई? अरे बोलो ना, दुख की। अब नया शब्द कौन सा आया? आकुलता, और उसके बाद शब्द कौन सा आएगा? कषाय, रागादि भाव। अभी रागादि भाव है कारण, सुनना ध्यान से, रागादि भाव है कारण और आकुलता है कार्य। क्या बोला? रागादि भाव है कषाय भाव, कषाय भाव कारण और आकुलता कार्य। और आकुलता माने आकुलता किसका लक्षण? के दुख का लक्षण। दुख का लक्षण बताया आकुलता को, लक्षण मालूम पड़ता है, जिससे पकड़ में आवे, जिससे वो पकड़ में आवे। मैं हमारा एक दृष्टांत आप हिम्मतनगर में, अब ये गुजरात सूर्य भी गुजराती माँ दृष्टांत है, थोड़ा हिंदी बोलता हूँ लेकिन उसमें जो आइटम जो वानगी में पेश होंगे वो गुजराती है। एक भैया सिंगापुर गए थे, और माने यहाँ से उसको फ्लाइट तो अमेरिका की लेनी थी, वाया सिंगापुर थी। अभी सिंगापुर में बैठे थे, एक घंटे के बीच में डेढ़ घंटे का टाइम था, तो वहाँ वो निकला खारी सिंह खारी सिंह खारी सिंह, तो सामने दूसरे गुजराती बैठे थे। अभी ये तो खारी सिंह समझ गया आप? अच्छा चलो, तो अभी तो प्रॉब्लम नहीं। तो वहाँ गुजरे लड़का बैठा था, जैसे गुजराती छोकरों गजब होए, भीख मांगे, ए भीख ना मांगे, भले नानो धंधो सिंगनो धंधो करे, गजब से अहीं एरोड्रोम ऊपर एयरपोर्ट ऊपर सिंह बेचे थे। इन्हें बुलाया कि गजब से दोस्तों, तने जोई तो मैंने गुजरात नहीं याद आई गई, आ खाखरा बाखरा पर डब्बू खोलो, कारण गुजराती गुजराती मैं खाखरा डब्बू खोले जाए तो यार बीजो कोई धंधो नहीं, अँ एयरपोर्ट ऊपर सिंह बेचे थे। એટલે કે ના, સિંહ છે એ નહીં, સિંહ વેચતો એ નથી, તો ખારી સિંહ કેમ બોલતો? કે બોલતો તો ને, એટલા માટે કે મારી ટિકિટ છે ને જે જગ્યાએ બોલતો, ઇંગ્લિશમાં બોલે કઈ બારી આ બારી જવાનું મને ખબર પડતી નથી, જીસકો મેં પૂછતા હું વો બોલતા હૈ 29 ઇંગ્લિશમાં ફાડે, ખબર પડતી નથી, તો મને કોઈ ગુજરાતી મળી જાય એટલે પૂછે કઈ બારી ઉપર જવું, અમારે ગુજરાતીને પકડવો કઈ રીતે? હા, અહીં બધા બેઠા હોય ત્યાં તો પછી ઓછો સાડી પહેરીને બેઠા હોય, ફોરેન ફરવા જાય, હવે અહીં પ્રવચનમાં મલાડના પ્રવચનમાં સાડી પહેરી નથી આવતો, ત્યાં સાડી પહેરીને જાય? ભેગું ભણે બોલ તો આજ ભાઈ ચોખ્ખો મારવો પડે ને, હા મંદિરમાં જીન મંદિરમાં સાડી પહેરીને ના આવતા હોય અહીં તો, પછી ત્યાં એરપોર્ટ ઉપર બેઠા હોય તો એ પંજાબી ના પહેરી હોય ત્યાં તો જીન્સ ને ટી શર્ટ ને જે પહેરી હોય, કે મને ખબર કઈ રીતે પડે ગુજરાતી કોણ છે? નથી મને હિન્દી આવડતું, અમારી હિંમતનો છોકરો તો બિચારો બોલો, ના હિન્દી આવડે ના ઇંગ્લિશ આવડે, મારે ગુજરાતી શોધો કઈ રીતે? કે ખારી સિંહ ખારી સિંહ ખારી સિંહ બોલો ને, કોઈ ગુજરાતી બેઠો હશે ને તથા ઊંચો કરશે, હવે તું મને બતાવે ખારી સિંહની માલ છોડ, મારે કઈ વિન્ડો ઉપર જવાનું છે? તો એને ગુજરાતી પકડવાનું લક્ષણ બનાવ્યું. કોને? ખારી સિંહને. માને ખારી સિંહના માધ્યમથી ગુજરાતી વ્યક્તિ પકડાય, તો લક્ષણના માધ્યમથી લક્ષ પકડાય. એમ એસે હી યહાં આકુલતા શબ્દ દુઃખ કા લક્ષણ હૈ. આકુલતા શબ્દ દુઃખ કા માને આપકી પર્યાય મેં દુઃખ હૈ ના, તો ઉસકા રિઝલ્ટ ક્યા આયેગા? આકુલતા. અહીંથી તમારે બોમ્બેથી અમદાવાદ જવા, અમદાવાદ જાના હૈ, લોકશક્તિ ટિકિટ હૈ, કેટલી વાગે આતી હૈ?
साढ़े आठ जो भी आ गया बराबर, अरे साढ़े आठ तो पहुँच के नहीं है आपने, अर्धो कलाक वेला पहुँची जी बराबर, बदन बैसा जरा बदन टपोड़ बदन बैसा जरा पहुँची, दस मिनट था एट्ले अर्धो आम स्टेशन पर हम आई जाए, गाड़ी आई के ना आई, आई के ना आई, आ शू आकूरता, अने ज्यां आकूरता त्यां दुख, ज्यां आकूरता त्यां दुख। तम आपको ऐसा लगता है मेरे को कोई दुख है ही नहीं, लेकिन आपको पूरे दिन सुबह शाम तक निरंतर आकूलता है, और आकूलता एकदम आठ माह आठ ने चौबीस सही लाइट दिखाई हम दूर थी क्या आई गई जी का तो विराट पाछ बेसी गया पाछ आठ पच्चीस था एटले तम मैं तो आउ करेलू छे करेलू छे हाँ आ शू छे ये क्या है अरे बोलो आकुलता। और पंडित जी ने पूरे तीन पेज में 45 बार आकुलता को याद किया है, गजब है, निरंतर आकुलता है अपनी पर्याय में। अरे प्रवचन के बाद जो भक्ति बोलते हैं ना, कई कई जगह प्रवचन के बाद भक्ति बोलते हैं, अभी भक्ति बोल बोले तीन चार लोग होते हैं जी, पहले शुरू करे नहीं भक्ति चाले, तो वो चारों को प्रवचन में आकुलता रहती है, काहे की भक्ति बोलते और आकुलता वो दुख नहीं, दुख का काम तो बाद में आएगा, दुख आकुलता दुख। अने घणी वक्त प्रवचन बोलता बताऊँ हम श्वास ले अटक्यो ने बोलो सब कहते प्रभुपति अरे भाई हमारा नहीं मैं तो खाली श्वास रुकायो आसू जे ये क्या है आकुलता, और ये आकुलता निरंतर बनी रहती है अपने। भोजन पे बैठे हैं जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ, और उसमें भी अपने घर में मेहमान आए हैं, मैं जो ही तो मनीष मीना त्या जमन होते दिवस अभी जमा बैठा त्या तरह लेडीज वहाँ सोनू ने सुना तृप्ति ने अनीता ताने अंदर था शू कहवा मनीष भी अंदर जाए थी गई तैयार रोटी लाओ आ शू से आ शू से अने पछी बे जल्दी कर ने जल्दी कर ने रोटी ना के हूँ गैस पर चढ़ी जाऊँ आसू जे और जहां आकुलता चलो पढ़े अभी आगे थोड़ा आकुलता लक्षण सही दुख और निराकुलता लक्षण वाह, जहां कोई आकुलता नहीं कोई दुख नहीं उसका नाम सुख। और जो सैतालीस शक्ति है ना जीवित चिति दृष्टि ज्ञान सुख पांचवें नंबर की लिखी है उसकी डेफिनेशन है निराकुलता लक्षण सुख शक्ति। कोई प्रकार जहां आकुलता निमिटती है ना सुनना ध्यान से, जिसको आकुलता उसको दुख, जितनी आकुलता इतनी दुख, जहां आकुलता वहां दुख, और जो जितनी आकुलता गई उतना सुख की प्राप्ति। आपके घर में बच्चों के एग्जाम बेटा क्या रहता है एग्जाम 29 मार्च छेलो दिवस क्या रहे थे लास्ट पेपर मालूम नहीं, लास्ट पेपर तो लखी ना आए पर शू करे, लास्ट पेपर लेके आए बाद में छुट्टी है एक महीने की वैकेशन क्या करता है बोल शू करे है नहीं पहला आई ने घर में आई शू करे हम यस આમ બેગ છે ને આમ ફેંકે કેમ ક્યો હું આકુલતા ખતમ અમને પણ આકુલતા છે કાલે કારણ કે કાલે 256 પૂરા કરવાના છે બે કલાકમાં એ પણ શું છે હવે આગળ અડીલ રાગમાં કયો રાગ લેવો બોલ જીતો એ પણ હા આ કુર્તા અને લે બનાવવા ગયો મેસુન બની ગયું મોહનથાળ
तू पण आँख उड़ जा। हमारे चेतुओं में अहीं आवे ने देखते मैसूर बने में मैसूर बने ले। हाँ अब तो अनिता सोनू कैसे केवू बन्यू छे मैसूर तो सारू ज कहेजे हो। हाँ बस हाँ बराबर हाँ मारे आखी जिंदगी रहो आकूरता। अरे तमने कहूँ मैंने कि तू मैसूर बनाई दे के ना केम के मैसूर बगड़े तो पाछ जारी ना पड़े तो अरे एने आकूरता थी कि त्या टीना शू के आटलू बनावता आवड़त नहीं आप शू आकूरता। निरंतर आत्मानो आश्रय नहीं आत्मा का आश्रय नहीं है और पर का आश्रय है। नियम से आपकी पर्याय में आकुलता रहेगी और आकुलता है बोलो वो दुख है। दुख का कांड अभी दुख रूप है लक्षण है उसका। चलो आगे पढ़े थोड़ा आज टॉपिक पूरा नहीं होगा। अभी बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिले जिसके अंतरंग में आकुलता है तो वह दुखी है। ये जो संयोग मड़वो आकुलता माने दुखी नहीं पण एने ब्रह्म अंदर आकुलता है तो दुखी निराकुल है कोई प्रॉब्लम नहीं। मुनिराज के सर पे सगड़ी सिगड़ी जली नो कोई आकुलता नहीं। अर्घावतारण नो प्रॉब्लम। असी प्रहरण नो प्रॉब्लम कोई आकुलता नहीं। और वह दुखी होता है और जिसकी आकुलता नहीं है वो दुख सुखी रहता है। पर आप घर में जाके पढ़ लेना गुजराती में 9 नंबर का पेज है पहले अधिकार में अर्यंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि और 9 नंबर के पेज में उसके अंतिम टॉपिक में लिखा है कषाय बिना बाह्य सामग्री सुख दुखदाता नहीं है। क्या बोला बाह्य सामग्री कसाय बिना सुख दुख दा कसाय है तो आपको सुख या दुख का निमित्त बनेगी माने आप मानोगे कसाय नहीं है नो प्रॉब्लम। मैंने 3 बात बोली थी ना कौन कौन सी बात बोली थी अरे भूल गए इतने में ना पहले आकुलता काम बात थी दुख आकुलता और कसाय बराबर। दुख की बात हो गई आकुलता की बात हो गई अब तीसरे कौन से बचा कषाय। तो आकुलता क्यों होती है तथा आकुलता होती है वह रागादि कषाय भाव पर होने होती है। संयोग से आकुलता नहीं होती वियोग से आकुलता नहीं होती घर में 2 आदमी मर गए आकुलता नहीं होती वो मरने का कारण आकुलता नहीं है संयोग का कारण आकुलता नहीं है आकुलता का कारण कषाय। और जिनको कसाय नहीं है उनको आकुलता नहीं है और आकुलता नहीं है तो दुख नहीं है। एक मनोविज्ञान से पंडित जी ने पूरा टॉपिक लिखा है। भगवान के आगे कोई सोच और तमे पर अहीं मन टेंशन थाय छे अब भगवान सवारी पूजा करना जो कुआई जाए भगवान की टेंशन था जो आकुरता था ना था केम ना था कषाय नहीं कषाय नहीं। आदिनाथ भगवान सुनना ध्यान से पिता कुलकर और असीम मसी कृषि विद्या वाणी व्यापार पूरा सिखाया था। मुनिराज धर्म कैसा होता है मुनिराज जीवन कैसा होता है अटल मुगुल कैसा होता है मुनिराज की आहार चर्या कैसे होती है भोजन नवदा भक्ति कैसा पूरा सब सिखा दिया था पूरा पाठ सिखा दिया था। और उनका ही भोजन करने का नंबर नहीं आया तब 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 6.5 महीने तक आहार नहीं मिला लेकिन आकुलता नहीं हुई। क्यों नहीं हुई कषाय नहीं था। और यहाँ आदि 5 मिनट रोटी में लग जाए अरे बोलो गुरुदेव जी के प्रवचन में आता है सत्ता प्रिय मानस होए सत्ता प्रिय माने थोड़ा मान प्रकृति वाला और समधी आए हो और अड़दनी दाल ने चूरमा ने लाड़वा बनाया होए अब ये थोड़ी हदड़ी ना बनी होए एकदम एक रस ना बनी होए तो बोले कोने बनाई छे आज दाल
तो एनी धर्म पत्नी हो एनी वहू ने के बेटा बोलती नहीं तपेली गरम छे आज हमारा शब्द नहीं गुरुजी का शब्द के बेटा तू तो 100 वर्ष ही गरम आई है हूं 35 वर्ष ही सब गरम आज तपेली गरम छे दाल आवी केम बनी छे ઉંબમ હિમંતનથી આવ્યો અને સવારે અતુલભાઈ ના આવત મારું મગજ છટકે કે ના છટકે લે વા હું 3 કલાક ત્યાં ઉપર છટકે કે ના છટકે હા લેવા આવે કે ના આવે એ દુઃખનું કારણ નથી કશાય એ દુઃખનું કારણ એની ચર્ચા આપણે આવતીકાલે આગળ મારે ટોપિક આજે પૂરો કરવો હતો પણ નહીં થયો મારી ગાડી આમે થોડી લોકલ છે 12 ડબ્બાની લોકલ ગાડી છે આવતી માને કલ અપની જો છઠવી પૂજન હૈ ઓર ઉસમે 256 અર્ઘ હૈ તો કલ 2 મિનિટ જતીન ભી બેસો 2 મિનિટ હા બંધ હા બે એમ આકુડ આ આકુડતા છે